Hello and assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Imran Saleh, CEO, Farmers Cheese Making. Let's talk about cheese. मैं ये वीडियोस करता रहता हूँ चीज़ की अवेयरनेस के लिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो आज तक आपको नहीं पहुँची खसूसन चीज़ के मामले में, मैं वो अपना जो है वो रोल प्ले कर सकूँ और आप लोगों को चीज़ के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूँ, ये बताता रहूँ कि चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगियों में, अपनी डाइट में, अपने खाने की टेबल्स पर इसको दाखिल करें। लेकिन वो कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वो क्यों होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें खाने वाली हैं और कौन सी जो है वो नहीं खाने वाली हैं, या बेनिफिट क्या क्या है, प्राइस का डिफरेंस क्या है, उसकी स्टोरेज लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसको प्रिजर्व कैसे करना चाहिए, उन्हें किस किस तरीके से अपनी किस किस डिश में इस्तेमाल करना चाहिए, चीज़ को इंजॉय करने के लिए बेशुमार कुजींस और डिशेज़ हैं। असल में चीज़ क्यों आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है? क्योंकि जो नॉन प्रोसेस चीज़ होती है, जो चीज़ होती है, जो रियल चीज़ होती है, यहाँ पर मैं उस चीज़ की बात नहीं अभी करने जा रहा हूँ जो नॉन प्रोसेस, जो प्रोसेस्ड होती है और जो वेजिटेबल ऑयल्स और दीगर चीज़ों से तैयार होती है। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन प्रोसेस चीज़ की जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। 10 लीटर मिल्क, 10 लीटर दूध में से तकरीबन 1 kg चीज़ प्रोड्यूस होती है। ये जो दूध 10 लीटर होता है, ये हमें प्रोड्यूस करता है 1 kg चीज़। 10 लीटर में से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1 kg। अब चीज़ बनाने का जो प्रोसीजर है, उसमें क्या होता है कि इसमें कैसिन होते हैं, वो जो वाइट कलर का जो स्टफ़ अल्लाह ताला ने दूध में रखा हुआ है, उसको कैसिन बोलते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं। और दूसरा इसमें वे होता है 90%, 90% इसमें वे होता है, जो पानी अलहदा हो जाता है, जिसको हम लस्सी भी बोलते हैं। इसके वे के अंदर लैक्टोज, फैट्स और बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। अगर ये प्योर है, अगर ये प्योर चीज़ का वे है, तो ये अगेन इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। इसका वे पाउडर बनता है, फिर वो मुख्तलिफ डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर वो प्रोसेस चीज़ का वे है, तो ज़ाहिर है जो चीज़ें प्रोसेस में हैं, वेजिटेबल ऑयल या उसके दूसरे जो कुछ भी है, तो वो उस पानी के अंदर वो सारी चीज़ें अपनी खसूसियात लेके अलग होती हैं, लिहाजा उस वे का जो है वो पाउडर जो है वो भी प्रोसेस होता है। वो एक डिफरेंट चैप्टर है, हम उस पर फिर कभी बात करेंगे। अब इस कैसिन में, ये कैसिन जो है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इसका कोई आर्टिफिशियल सब्सिट्यूट कोई नहीं है। ये इतने पावर, इसमें जितना भी दूध के अंदर जो कुछ खसूसियात अल्लाह ने रखी हुई हैं, कैल्शियम, प्रोटीन्स, सैचुरेटेड फैट्स, फॉस्फोरस और दीगर जितने भी इसके अंदर अल्लाह ताला ने खसूसियात रखी हुई हैं, जो वो सारी खसूसियात इस 10% पोर्शन में शामिल हैं। लिहाजा जब आप एक 100 ग्राम चीज़ का पीस खाते हैं, तो आप 10 ग्लास दूध कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब इसको आप कंपेयर करें दूसरी साइड पर, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड या लोकल, कोई भी प्रोसेस, मैं प्रोसेस की बात करूं, जो भी प्रोसेस चीज़ है, जब आप उसका 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं, तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? आप वेजिटेबल ऑयल्स, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारे केमिकल्स वगैरह, खूबसूरत पैकिंग्स हैं, खूबसूरत स्टफ़ है, जायका बहुत अच्छा होगा, हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। उसकी वजूहत यह है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और टेक्नोलॉजी बहुत हाई जा चुकी है इन चीज़ों में, क्योंकि चीज़ की एक बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट है, इंपीरियल मार्केट है ये, और उसमें फिर जहाँ पर अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल आइटमें भी होती हैं, उसकी भी फिर आगे वैरायटीज़ हैं, आपको कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं। लिहाजा ये जो पोर्शंस होते हैं ना, जो ये चीज़ पोर्शन, जो चीज़ स्लाइसिस आप लोग खाते हैं मार्केट से ला के, क्योंकि इट्स सिंपल टू यूज़, सस्ते, आप जाते हैं 300-400 रुपये के वो स्लाइस 10 मिल जाते हैं, आप खोलते हैं, बर्गर पर रखते हैं, मेल्ट करते हैं, खाते हैं, इट्स वेरी टेस्ट, इट्स अनहेल्दी एक्चुअली, वो टेस्ट नहीं है,
वो तो ऐसे ही है जैसे आप एक चम्मच उसके ऊपर ऑयल डालें, और जब भी चीज़ खाएं, चीज़ प्रोडक्ट खाएं, पनीर वन ऑफ द बेस्ट चीज़ कहीं से भी खा लें अगर वो रियल चीज़ है। यहाँ पर भी बहुत बड़े इश्यूज हैं, एक तो हमारे यहाँ वर्क एथिक्स की बहुत कमी है, ईमानदारी की बहुत कमी है। हम लोग काम करते हैं, हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम में जाना चाहते हैं, और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, हेल्थ इश्यूज़ कैसे हैं। हम नहीं सोचते हैं कल हमारे बच्चों ने भी यही खाना है, हमने भी यही खाना है, बस वो एक दौड़ लगी हुई है और हम सब उस रेस का, उस मैराथन का हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं हम फार्मर चीज़ मेकिंग उस मैराथन का हिस्सा नहीं है, हम पहाड़ पर चलना पसंद करते हैं। मुश्किल टास्क है, एक टीम वर्क है, कुछ लोग ही सर कर सकते हैं, मैराथन हर बंदा दौड़ सकता है, पहाड़ सर करना ज़रा मुश्किल काम है, हमने वो मुश्किल काम का बेड़ा उठाया हुआ है। जो प्योर चीज़ होगी, जब आप उसका एक पोर्शन 100 ग्राम्स का कंज्यूम करेंगे तो आपको इस 100 ग्राम्स के अंदर वो तमाम बेनिफिट्स जो 10 ग्लास मिल्क, 10 ग्लास दूध का जो फ़ायदा है वो आपको 100 ग्राम्स मिल्क चीज़ के अंदर आपको मिल रहा है। तो कितना एक इजी है, वो बहुत सारे बच्चे जो दूध नहीं पीते, जो दूध को अवॉइड करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे बड़ों के लिए भी जो दूध वगैरह को अवॉइड करते हैं आम जिंदगी में भी, देखें ये 2-5 गिलास दूध अगर आदमी रोज़ कंज्यूम करे तो आप खुद देखें उसकी हेल्थ पर कितना अच्छा। लिहाजा जब आप 100 ग्राम चीज़ को कंज्यूम करें, चीज़ को खा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 10 ग्लास दूध का फ़ायदा मिल रहा है, वो प्रोटीन्स, वो कैल्शियम्स, वो सैचुरेटेड फैट्स, फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन AB12, इस किस्म की सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें दूध के अंदर रखी हुई हैं वो सब आपको इस प्रोडक्ट में मिल रही हैं, क्योंकि ये नॉन प्रोसेस्ड है, ये नॉन प्रोसेस्ड चीज़ है। बिस्किट्स, चॉकलेट स्प्रेड्स, मायोनीज और बेशुमार अज़ा जो हमारी रोज़मर्रा की डेली रूटीन में हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, दीज आर ऑल प्रोसेस्ड। आपकी हेल्थ पर उसके क्या असर आएंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, शुगर राइज इन ब्लड, ब्लड प्रेशर। इसी वे को जिसको ड्रेन किया होता है, जिसमें सारा लैक्टोज निकल जाओ क्या होता है, उसको वे पाउडर में जब तब्दील होता है वो वापस भी शामिल किया जाता है। तो वो लैक्टोज जिसको एलिमिनेट हो जाना चाहिए, नॉन प्रोसेस चीज में लैक्टोज नहीं होता, लैक्टोज नहीं होता इसमें। जब लैक्टोज शामिल होगा वो ब्लड शुगर में शामिल हो जाएगा, जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, और ये तीनों जो बीमारियां हैं, ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं, मज़ीद बहुत सारी बीमारियों का पेशखैमा होते हैं, लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ स्लो पॉइजन। तो ज़िंदगी में कोशिश करें प्रोसेस प्रोडक्ट्स को जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं, जितना एलिमिनेट कर सकते हैं उनको अपनी ज़िंदगियों में कम से कम करते चलें। अगर हम उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनको अल्लाह ताला ने इन तमाम नेमतों से लुत्फ़ानंदोज़ होने के ज़राए दिए हुए हैं, देन वाई शुड वी गो टू प्रोसेस्ड। हम बीमारियाँ क्यों खाएँ, हम बीमारियों की तरफ क्यों जाएँ, हम अपनी लाइफ को चेंज करना है, हमने अपनी ज़िंदगियों में हेल्दी फूड को दाखिल करना है, ख्वाह वो चीज़ हो, वो प्योर मिल्क हो, वो सब्ज़ियाँ हो, वो मीट हो, कोई चीज़ हो, फिश हो, एग्स हों, अच्छी प्रोडक्ट्स। चीज़ जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कल्चर्स ऐड करते हैं, थर्मोफिलिक भी होता है जिसमें, मेसोफिलिक भी होता है, कोई हीट लविंग होते हैं, कोई हीट लविंग नहीं होते हैं, तो उनकी एडिशन के साथ हम लोग एक प्रोडक्ट की केमिस्ट्री डेवलप करते हैं, उसके जेनेरिक कोर्स के साथ हम मैनिपुलेट करते हैं और एक प्रोडक्ट डिवेलप कर देते हैं। अब जब हम लोग कल्चर्स को मिल्क के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज के ऊपर फीड करना शुरू कर देता है। जब हम उसमें रेनेट डालते हैं, अब रेनेट का क्या अमल होता है, जो रेने, असल लफ्ज रेने है, यह एक फ्रेंच वर्ड है जिसको आखिर में टी, जैसे हम गवर्नमेंट को गौर में बोलते हैं, इसी तरह रेनेट नहीं है, ये बेसिकली रेने। तो रेने जो है हम उसको जब ऐड करते हैं तो वो उसको जेल में तब्दील करता है। अब जब ये जेल में उस वक्त तब्दील होगा जब कल्चर्स उसकी एसिडिटी को बढ़ा चुके होंगे, उसका पीएच वैल्यू डाउन हो चुका होगा। जब दूध का पीएच वैल्यू डाउन होगा
जब उसकी एसिडिटी लेवल बन जाएगी तो ये रेनेट जो है रेने ये अपना रोल अदा करेगा और उसको जेल में तब्दील करेगा। ये भी एक नुक्ता है कि जब आप चीज लेने जाते हैं मार्केट में, यू नेवर नो कि ये कौन सा रेनेट मिला हुआ है, एनिमल रेनेट है या कोई और है। तो जहां पर एनिमल रेनेट का ताल्लुक है तो जाहिर है वो एक हलाल कैटेगरी में नहीं आएगा। हाउएवर तो उसके ऊपर फीड करना शुरू कर देते हैं और इसको लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देते हैं। इसको लैक्टिक एसिड, वो जो पानी आप देखते हैं ना, बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होता है वो उस पर फीड कर होता है। जब वो फीड कर होता है वो पानी में तब्दील होना शुरू होता है। अब होता क्या कि लैक्टोज जो है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है, लैक्टोज सारा एलिमिनेट होना शुरू। और जब ये प्रोडक्ट हमारी, जब चीज डिवेलप हो जाती है, जब ये बाहर होती है, तो इट्स ऑलमोस्ट शुगर फ्री, इसमें से शुगर निकल चुका होता है। लिहाजा ये जो लोग आपको बताते हैं डाइट कोक, डाइट चीज, लो फैट चीज, और ये देर इज नथिंग लाइक दिस, ये तो क्वालिटी को कम करते हैं। बाहर भी मिलती हैं चीज़ें लो फैट और लो फैट चीज, और दूसरा देखें ये स्किम मिल्क से बनता है। अब होता क्या है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, जब स्किम मिल्क आप लेते हैं तो उसमें से आप क्या करते हैं, स्किम कैसे होता है, उसमें से आप क्रीम निकाल लेते हैं, जो समझते हैं ये सारे का सारा फैट्स हैं जो अलग हो गए। ऐसा नहीं है, ये प्रोटीन्स ही हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो नेचुरल फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स वो, और प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप स्किम मिल्क के साथ या लो फैट चीज़ खाने से आपकी हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपको वेट रिड्यूस करने में मदद देगा, या उसके लो फैट होने के आपको जो फ़ायदे हैं इसमें फैट्स कम आपको मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि वो तो एक इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ बन जाती है लो फैट जो होती है। और पाकिस्तान में तो ये लो फैट वगैरह आप देखते हैं, कभी आप देखें उनके ऊपर कोई इन्ग्रीडियंट्स तक नहीं लिखे हुए हैं, कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, ये भी नहीं लिखा हुआ कितने परसेंट स्किम किया हुआ, ये अनदर केस है। आप लोग रिसर्च किया करें फॉर हेवन से, एक जब आप कोई चीज़ प्रोडक्ट उठाते हैं उस पर देखें, आपको तो उन चीज़ों पर इंग्रेडिएंट्स तक नहीं मिलेंगे, तो आप कैसे यकीन कर लेंगे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो लो फैट लिख के या कोई चीज़ लिख रहे हैं और आप समझ रहे हैं हाँ जी ठीक है ये लो फैट ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डाउट, आई हैव माई रिजर्वेशंस, क्योंकि इंग्रीडियंट्स नहीं है, बहुत सिंपल सा एक रूल है, देयर शुड बी इंग्रीडियंट्स। नंबर टू, डाइट या लो फैट चीज़ एक इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ है, टू मी इट्स इन्फीरियर क्वालिटी। उसकी आपने वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू एडिशन जो अल्लाह ताला ने, जो कुदरत ने उसके अंदर एक वैल्यू एडिशन रखी है, वो तो आपने बाहर निकाल दिया। दूध इट्सेल्फ, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो दूध इज अ वेरी वेरी हेल्दी प्रोडक्ट, उसमें से चीज़ें नहीं अलग की जाती हैं, उसे कंज्यूम किया जाता है, वेरी 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 नेचुरल डाइट। बात यह है कि जो प्योर दूध है, अल्लाह ताला ने इसमें जो सैचुरेटेड फैट्स रखे हैं, दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर योर बॉडी, ये जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी और मुफीद है, ये वो फैट्स हैं जिसकी आपकी जिस्म को ज़रूरत है। बस जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है वो तो आप खा लेते हैं, आपने समोसे भी खा लेने हैं, आपने घर में खाना भी जो है वो ऑयल्स में बनाना है, आपने बाज़ार से जाके रेस्टोरेंट्स पर डिशेस वगैरह भी खा लेनी है, और आपने बाज़ार से पिज़्ज़ा भी मंगवाना है जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रोसेस चीज़ हैं, या आपने बर्गर खाने हैं उसमें बेशुमार पहली प्रोसेस चीज़ें पड़ी हैं, ऊपर से वो एक चीज़ के नाम पर एक प्रोसेस एक और प्रोडक्ट रख दी जाती है, तो आप इतनी ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें आप खा रहे हैं। देखें प्रोसेस चीज़ें खाने से इंसान मरता नहीं है, असल में हमने उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना होता है जो इन खानों के साथ, जिनकी स्ट्रिंग्स अटैच। फॉर बीइंग विद अस, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सबसे मोहब्बत करें। ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान पाइंदाबाद।